किसान की बेटी ने बताया कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाए। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी हम आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल कहानी इस वीडियो में लेकर के आए हैं। ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इस कहानी में आज का विषय है, आज का टाइटल है कि एक किसान की बेटी कहती है कि असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है, यानी असंभव को संभव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिस तरह से हम असंभव को संभव बना पाए। दोस्तों, ये टाइटल सुनकर के आप बड़ा आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि असंभव को भला संभव कैसे किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है। जिस कहानी में एक किसान की बेटी ने ऐसा करके दिखाया है, कहानी का सार बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है, आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाता है। यदि आपने अधूरी कहानी सुनी, वीडियो को अधूरा देखा, तो आपके लिए पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मित्रों, वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें, और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके एक बेटी थी और वह बेटी बहुत ही सुंदर रूपवान थी। किसान जो था वह अपनी खेती किया करता था, बैलों से हल जोतता था और तभी उस खेत से अन्न उपजाता था, जिससे उसके घर की और परिवार की जीविका चला करती थी। दोस्तों, किसान जो था बहुत ही गरीब था, जैसे तैसे उसकी जीविका चल पाती थी। और उसी गांव में एक जमींदार आदमी रहता था। दुर्भाग्यवश उस किसान ने उस जमींदार से बहुत सारा धन उधार ले रखा था, यानी वह जमींदार के कर्ज से दब चुका था, बहुत सारा धन उधार ले चुका था। कई बार जमींदार ने कहा कि किसान भाई, आपने हमसे बहुत सारा धन उधार ले रखा है, अब हमारा धन जो है लौटाओ, हमारे कर्जा को चुकाओ। तो दोस्तों, किसान जो था वह प्रयास तो बहुत करता था कि हम जमींदार के ऋण से उड़ हो जाएं, जो मैंने धन उधार लिया है कर्जे में उस कर्जा को चुका दें। बहुत सारी मेहनत भी करता था, लेकिन वह कर्जा चुकाने में विफल था, असमर्थ था, चुका ही नहीं पा रहा था। अगर जो ब्याज दे देता और जब तक और पैसे कमाता तब तक उतना ही ब्याज फिर हो जाता था, इसलिए वह बहुत ही असमर्थ था। एक दिन जमींदार ने किसान की बेटी को देखा, जो देखने में बहुत रूपवान तो थी ही, बहुत सुंदर थी। तो जमींदार का मन जो था विचलित हो गया। जमींदार मन में विचार करने लगा, अगर हम किसान से ये कहें कि हम तेरा कर्जा माफ कर देंगे और तू ऐसा कर अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दे, और ये कितनी सुंदर है, जब ये किसान बेटी का विवाह कर देगा तो हमारी जिंदगी जो है वो स्वर्ग बन जाएगी और कर्जा हम इसका माफ कर देंगे। ये विचार धारणा बनाने के बाद दोस्तों, एक दिन जमींदार जो था वह किसान के घर पर पहुंचा। किसान ने बड़ा सम्मान किया, बड़ी आवभगत की, बैठाला। उसके बाद में जमींदार कहता है कि देखो किसान भाई, आज हम तुम्हारे घर पे इसलिए आए हैं, तुम्हें खुश करने के लिए आए हैं, और जो हम कहने के लिए जा रहे हैं इसको यदि तुम सुनोगे तो खुशियों से तुम मुस्कुराते हुए तुम खिल उठोगे। किसान कहने लगा, जमींदार साहब,
बताइए कैसे आना हुआ और क्या आप कहना चाहते हैं जिससे हम मुस्कुरा करके खिल उठेंगे। तो दोस्तों भाई जमींदार कहने लगा, देख किसान भाई तेरे जो बेटी है बहुत सुंदर है। बोले है ऐसा कर, मैं तेरा कर्जा माफ करने के लिए आज आया हूं, जो भी तूने हमसे धन उधार लिया था वो सारा माफ कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुझे कुछ हमारा काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? तब जमींदार कहता है कि देख किसान, जो तेरी बेटी है ना, अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दे, और जब तू अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर देगा तब सारा कर्जा हम तेरा माफ कर देंगे। दोस्तों किसान की बेटी भी वहीं खड़ी हुई थी, और जमींदार के मुंह से जब ये किसान की बेटी और उस किसान ने ऐसे शब्द सुने तो उन दोनों के होश उड़ गए। किसान अपनी बेटी की तरफ देखता है और मरई मन में दोनों लोग विचार करते हैं। किसान सोचता है कि ये जमींदार क्या कह रहा है, हमारी सोने जैसी फूल जैसी बेटी और ये बुढ़ापे में आने वाला जमींदार जो कुछ समय के बाद बूढ़ा ही हो जाएगा, और ये हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है। ये किसान की बेटी और किसान सोचने लगा अब हम इस जमींदार के लिए क्या जवाब दें। किसान सोचता है कि हम इससे क्या कहें ताकि हमारी बेटी इसके जाल में इसके चुंगल में ना फंस पाए, इसके साथ विवाह ना हो पाए, अर्थात हमारी बेटी की जिंदगी नरक ना बन पाए। जमींदार ने पूछा, अरे किसान भाई क्या सोच रहे हो, अरे कुछ तो बोलो, कर्जा माफ कराना है या नहीं कराना है? कराना है तो बेटी का विवाह कर दो, और यदि विवाह नहीं करना है तो हमारा जो धन लिया है वो लौटा दो। दोस्तों किसान चुपचाप खड़ा था। थोड़ी देर के बाद में किसान ने कहा, ठीक है जमींदार साहब, आप जमींदार ठहरे और मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूं, मैं आपसे क्या कह सकता हूं, लेकिन ये मैं खुद फैसला नहीं ले सकता, जो आप कहने के लिए आए हैं इस बात से मैं खुद फैसला लेकर के हां नहीं कर सकता। बोले फिर क्या करोगे? तो किसान ने कहा कि चलो यहां इस गांव की पंचायत के पास चलते हैं, यानी जो पंच लोग फैसला करेंगे हम उसी बात को मान लेंगे, जैसा वो कहेंगे जैसा फैसला सुनाएंगे वही हम दोनों लोग करेंगे। दोस्तों किसान का ऐसा कहने पर जमींदार जो था वह तैयार हो गया। फिर दोस्तों क्या हुआ, जमींदार किसान और किसान की बेटी को लेकर के गांव की पंचायत के पास में जाते हैं, और किसान जमींदार सारा हाल पंचायत से कहते हैं, सारी बातें समझाते हैं। किसान कहता है कि ये जमींदार साहब जो है हमारी बेटी से इस तरह से विवाह करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम कर्जा माफ कर देंगे, तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो। हे पंच लोगो, कहते हैं कि पंच तो परमेश्वर हुआ करते हैं, हमारा न्याय कीजिए, ये इतनी उम्र के ठहरे और हमारी बेटी तो अभी नादान है, आप जो फैसला सुनाएंगे वही हम मंजूर करेंगे, हम आप पर पूरा भरोसा करके आए हैं। दोस्तों किसान की पूरी बात जब पंच लोगों ने सुनी तो पंच जो थे बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। पंच विचार करने लगे, ये मामला बड़ा ही कठिन है, इसका निर्णय लेना, इसका न्याय करना बड़ा ही कठिन है, क्या करें। बहुत देर तक पंचायत के लोग विचार करते रहे, और उसके कुछ समय के बाद में पंच लोगों ने कहा जमींदार साहब से और उस किसान से, बेटी भी खड़ी थी, पंच लोगों ने कहा किसान से कि देखो किसान भाई, ये जो जमींदार साहब आए हैं और आपको ये सामने काले पत्थरों के जो रोड़े पड़े हुए हैं, इसमें हजारों रोड़े हैं, इसमें कुछ सफेद भी पत्थर हैं, इसमें से दो रोड़ा जमींदार साहब उठा करके आपकी बेटी की नजर बचा करके इस थैले में डालेंगे, एक रोड़ा काला होगा और एक रोड़ा सफेद होगा, और इसी आधार पर तीन विकल्प होंगे। किसान कहता है पंच लोगों से, क्या विकल्प होंगे? तब पंचायत के लोग कहते हैं कि देखो किसान भाई, अगर आपकी बेटी काले पत्थर का रोड़ा इस थैले में से उठाएगी तो आपके लिए अपनी बेटी का विवाह इस जमींदार के साथ में करना पड़ेगा, और ये जमींदार जो हैं आपका सारा कर्जा माफ करेंगे। बोले ठीक है, दूसरा विकल्प बताइए। तब पंच लोगों ने दूसरा विकल्प बताया कि देख किसान भाई, अगर तेरी बेटी सफेद रोड़े का पत्थर उठाएगी तो तुझे जमींदार साहब के साथ अपनी बेटी का विवाह करना नहीं पड़ेगा, और ये जमींदार तेरा सारा कर्जा माफ करेंगे। बोले तीसरा विकल्प ये है, अगर तेरी बेटी इन पत्थरों को थैले से उठाने से इनकार करेगी तो तुझे ये जमींदार साहब जेल भेजेंगे,
ये तीन विकल्प हैं। अब तेरी बेटी के ऊपर ये आधारित है कि तेरी बेटी इन तीन विकल्पों में से कौन सा विकल्प मान्य करती है और क्या करती है। बोले ठीक है दोस्तों। बेटी किसान की वहीं खड़ी थी। इधर जमींदार जो थे, जो काले रोड़ों के पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था जिसमें हजारों काले रोड़े के पत्थर थे और सफेद भी थे, तो चुपके से सबकी नजर बचा करके जमींदार साहब दो काले पत्थरों का रोड़ा उठाते हैं और उस थैले में रख देते हैं। जमींदार ने सोचा कि हम दोनों काले पत्थरों के रोड़ा उठाएंगे और जब किसान की बेटी इसमें से पत्थर का टुकड़ा उठाएगी तो काला ही होगा, जिससे हमारे साथ विवाह किसान की बेटी का हो जाएगा। इसी उद्देश्य से उसने दोनों ही काले पत्थरों के रोड़ा उठाए और थैले में रखने लगा। लेकिन किसान की बेटी दोस्तों बहुत चालाक थी। अपनी पैनी नजर से वो जमींदार की ओर देख रही थी और उसने जमींदार को दोनों ही काले पत्थरों के रोड़ा उठाते हुए देख लिया था। जमींदार ने दोनों ही काले पत्थरों के रोड़ा उठा करके थैले में बंद कर दिया। इधर पंच लोगों ने कहा कि हे किसान, अब अपनी बेटी से कहे कि इसमें से एक पत्थर का टुकड़ा निकाले और साबित करे कि वो काला है कि सफेद है। दोस्तों वही हुआ। किसान ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ, इसमें से पत्थर का टुकड़ा जो रोड़ा है वो निकालो। अब किसान की बेटी विचार करती है, खड़ी खड़ी सोच रही है कि यदि मैं इसमें से पत्थर का कोई भी रोड़ा ना उठाऊं तो हमारे पिताजी को जेल जाना पड़ेगा, और यदि मैं उठाती हूं तो इस जमींदार के साथ में हमें शादी करनी पड़ेगी, विवाह करके हमें अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ेगा, और यदि मैं ये सबको बता दूं कि ये जमींदार साहब धोखा कर रहे हैं, इन्होंने दोनों काले पत्थरों के ही रोड़ा डाले हैं, तो भी अच्छा नहीं है, तो भी हमारा फैसला, हमारा न्याय नहीं हो पाएगा। फिर उसके लिए दोस्तों थोड़ी देर के बाद में एक उपाय सूझा। किसान की बेटी ने विचार किया कि हम एक पत्थर का रोड़ा उठाती हूं और उसको इसी रोड़ों के ढेरों में डाल दूंगी तो शायद कुछ हो सकता है। दोस्तों वही हुआ। किसान की बेटी जो थी बिना देखे ही हाथ डाल करके थैले से एक पत्थर का रोड़ा यानी निकालती है और फिसलने का नाटक बनाती हुई जहां हजारों पत्थरों के रोड़े पड़े हुए थे उसी में डाल देती है। पंच लोगों ने पूछा वो पत्थर का रोड़ा कहां है, तो जवाब दिया, आहा मैं कैसी फूवड़ बेटी हूं जो मेरे हाथों से फिसल गया। पंच लोगों ने कहा तुमने कौन से कलर का रोड़ा उठाया था, जवाब दिया आप ही ढूंढ लो। तो दोस्तों कुछ पंच के लोग जो थे उस पत्थर के रोड़ों के ढेर में से वो टुकड़ा ढूंढने लगे जो उस किसान की बेटी ने उठाया था। बहुत देर तक ढूंढा लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि किसान की बेटी ने कौन से कलर का पत्थर का रोड़ा उठाया था। थोड़ी देर के बाद में किसान की बेटी ने कहा कि आप परेशान मत होइएगा, आप इस थैले में देखिए दोबारा से, जो पत्थर का टुकड़ा होगा उसको छोड़ करके जो नहीं होगा वही मैंने उठाया था। बोले ठीक है। तो दोस्तों पंच लोगों ने थैले में से जब वो टुकड़ा निकाला जो पत्थर का रोड़ा था वो काला था, उसको देख करके पंच लोगों ने फैसला कर दिया इसका मतलब किसान की बेटी ने सफेद ही पत्थर का रोड़ा उठाया था। दोस्तों फिर पंचों ने फैसला कर दिया कि जमींदार साहब इस किसान का सारा कर्जा आप अपने वायदे के मुताबिक, शर्त के मुताबिक माफ करिएगा। मित्रों उस जमींदार साहब ने पंचायत के सामने हां कह दिया कि कर्जा माफ किया, लेकिन जो उसने चोरी की थी वह चोरी खोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अगर वो चोरी खोलता तो वो ही उल्टा फंस जाता, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। और दोस्तों किसान की बेटी ने अपनी चतुराई से, बुद्धिमानी से असंभव को संभव बना दिया और अपने पिता किसान का भी कर्जा माफ करवा दिया और खुद भी जमींदार के साथ विवाह करके बलिदान चढ़ने से बच गई। अर्थात उस किसान की बेटी ने सिद्ध कर दिया कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनकर के अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाता है। असंभव को संभव हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास में बुद्धि है, जब हमारे पास में विवेक है, हमारे पास में ज्ञान है, तभी हम असंभव को संभव बना सकते हैं। और यदि हमारे पास न ज्ञान है, न विवेक है, न बुद्धि है,
तो ना तो हम असंभव को असंभव कर सकते हैं, ना संभव को संभव ही कर सकते हैं। यही कहानी बताती है। और दोस्तों ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला ही दिखता है, हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है। तो यदि इस समय में हम परंपरा से थोड़ा हटकर के सोचने का प्रयास करें तो किसान की लड़की की तरह हम हर मुश्किलों को आसान कर सकते हैं और असंभव को संभव भी बना सकते हैं। यही कहानी दोस्तों आपके लिए सिखा करके जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।